मैट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? यदि ए बी से संबंधित हो, ए से संबंधित हो, मैट्रिक रिलेशन कहते हैं। समझ गया ना? जैसे उसका एग्जांपल देख लो, ए बराबर क्या हो जाए, एक दो तीन एग्जांपल ले लीजिए। इस पर आधारित एक रिलेशन लेते हैं, तो देखो एक तीन ले लिए, अब सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? बी ए से संबंधित होना चाहिए। तो क्या एक तीन है तो तीन एक होना चाहिए, तीन एक होना चाहिए। समझ गया? अब ये क्या होगा? क्या सर? सिमेट्रिक रिलेशन जी। ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब फिर देखो ये आर टू ले लिए, तो देखो एक जो है दो से संबंधित है, दो एक। तो अब क्या होना चाहिए? दो एक होना चाहिए, दो एक होना चाहिए। अगर हम दो तीन लेते हैं तो क्या लेना तीन पड़ेगा? तीन दो, उसका उल्टा। हाँ सर जी, सब लिखना ही पड़ता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट का लिखो जी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सभी एलिमेंट का लेना होता है। समझ गया? रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में सभी से संबंधित होता है। रिफ्लेक्सिव में सेट ए में जितना भी एलिमेंट रहेगा सबका जो है सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर लेना होगा। समझ गया? जैसे रिफ्लेक्टिव अगर लिखे तो क्या एक दो तीन है ना, तो एक एक दो दो तीन तीन, ये सब चीज लिख लेना होगा। हाँ, ये जो है सिमेट्रिक बात नहीं है, इसमें जितना भी पेयर रहेगा तुमको ए बी का जितना भी मान रहेगा उसको पलट के भी खोजेगा। जैसे मान के चलो कि एक दो मिल गया तो दो एक खोजेगा, दो तीन है तो तीन दो खोजेगा, जिसमें ये खोजा जाता है। अगर एक ही वो पेयर है, समझ गया, तो आपको सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। अब लिखो इसका जो मेन पॉइंट है, कौन सब आपको सिमेट्रिक रिलेशन होगा, कौन सब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो पहला लिखो पैरेलल, पैरेलल देखो पैरेलल सिमेट्रिक रिलेशन होगा। पैरेलल नहीं, नहीं स्टार करके लिखो, पैरेलल सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कल सर जी लिखा थे ना, इसके बाद सर जी लिखा दिया थे यूनिवर्सल रिलेशन, लिख लिया। ठीक है तो लिखा है, देखो मान के चलो कि दो गो रेखा है ऐसे है ना, इसी को नाम पैरेलल कहते हैं। यस सर। तो ये देखो अगर ए बी के पैरेलल है तो बी क्या ए का पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी? मतलब उल्टा के भी बोलेगा, उल्टा के भी बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद दूसरा लिखो सिमिलर, पैरेलल के बाद परपेंडिकुलर, कूलर तो बोलो अगर ए बी पर लंब है तो बी ए पर भी लंब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। पैरेलल सर लिखो बस, ये सब चीज तुम नहीं देगा, पैरेलल लिख लिया, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दूसरा लिखो परपेंडिकुलर, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होगा जी सर। तीसरा लिखो सिमिलर, सिंगुलर, सिमिलर कैसे होता है? सिमिलर एस आई एम आई एल आर, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चौथा लिखो कंग्रुएंट, कंग्रुएंट बोलिए सर, हिंदी में लिखो सर्वांग सम, सर्वांग सम सममित संबंध होगा। लिख लिया? तो सर्वांग सम क्या होगा? सममित संबंध होगा। उसके बाद लिखो लेस देन, लेस देन सममित संबंध नहीं होगा।
यानी लेस देन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लेस देन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद देखो सब में पॉइंट तो सेवन लिखाएंगे, समझ गया, संबंध अलग अलग है ना, तो ये जो बात है रिलेशन का वो तो सब में ना चलेगा जी सर। क्या जी, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो कि ट्रांजिटिव हो, तीनों क्लियर नहीं चलेगा, जितना भी रिलेशन है वो सभी के लिए चलेगा, ये सभी चलते, तो कौन फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। क्या जी, ये अब इक्वल लिखो, इक्वल इक्वल सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा बोलो तो, होगा इक्वल, अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यस सर, इक्वल जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अच्छा उसके बाद देखो पिता पुत्र का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, यस सर, नहीं सर, देखो हम कहेंगे हम कहेंगे राम जो है राम श्याम के पिता है, राम श्याम के पिता है, राम के पिता है, आप बोलो कि श्याम राम के पिता होगा बेटा न होगा, श्याम राम के बेटा न होगा जी, राम श्याम के पिता है, राम जो है श्याम के क्या है पिता, तो श्याम राम के क्या हो बेटे होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम पिता का रिलेशन न बोल दिए जी, उल्टा के भी क्या होता, पिता ही होता, विरोध नहीं करता, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता, देखो तो इसलिए जो पिता का जो रिलेशन है ये आपको सिमेट्रिक नहीं है। पुत्र का ही हम लेंगे तो ये भी देखो हम कहेंगे ए जो है ए बी का पुत्र है, ये क्या है बी का पुत्र है, यानी बी पिता न हुआ जी सर, नहीं हुआ जी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी ए का पुत्र है, नहीं बोल सकता है, तो क्या ये रिलेशन जो है पुत्र का सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। अब हम लेते हैं भाई का रिलेशन, किसका रिलेशन, भाई का, भाई का हम कहेंगे ए बी का भाई है, बहन का भी होगा, बी ए का होगा भाई, बहन का रिलेशन क्या होगा, ए बी की बहन है तो बी ए की बहन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये हो सकता है, समझ गया ना। उसके बाद देखो लिखो भाई का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, भाई का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, उसके बाद लिखो बहन का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, हो गया जी। उसके बाद देखो समान लोकेलिटी यानी लोकेलिटी क्या होता है, स्थान इक्वल स्थान मतलब समान स्थान, देखो समान लोकेलिटी एल ओ सी ए एल आई टी वाई समान लोकेलिटी, जो इसको लिखना हो समान स्थान लिखो, सम्मित होता है, हाँ सम्मित होता है, समान सम्मित होता है, समान लोकेलिटी सम्मित होता है,
लोकेलिटी इंग्लिश में लिखना हो का लोकेलिटी लोकेलिटी हिंदी में स्थान हो गया। जैसे मान के चलो कि हम कहेंगे कि ए और भी दिल्ली में कार्य करते हैं, ए और भी दिल्ली में कार्य करते हैं, बी और ए भी दिल्ली में कार्य। अब हम बोलेंगे बी और ए कहाँ कार्य करेगा, क्या स्थान बदल जाएगा, स्थान वही रहेगा, नहीं रहेगा जी। चाहे इसका नाम बोलो कि पहले कि उसका नाम बोलो, जब एक स्थान पर रह रहा है तो स्थान नहीं बदलने वाला है, इसका अर्थ हुआ कि रिलेशन बदलने वाला नहीं है, समझ गया ना। अब फिर एकदम देखो बड़ा छोटा में भी एकदम जो ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, कहेगा कैसे नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी से क्या है बड़ा है, आइए ए बी से क्या है बात लिख बड़ा है। आप देखिए बी ए से क्या होगा छोटा, छोटा ना होगा तो, लेकिन रिलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए बड़ा ही ना होना चाहिए, नहीं ना हुआ तो ये सब जो है ये सब चीज आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब बोलो सिमेट्रिक को समझने में और कोई दिक्कत है, इसमें फंसेगा भी, आप बोलो ए और बी में समान पेजों की संख्या क्या ये होगा सिमेट्रिक, ए और बी समान पेजों की होगा, अगर हम बोलेंगे कि ए और बी में समान पेजों की संख्या तो बी और ए में क्या होगा कि पेज बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव ए ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ए और ए में समान पेज नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं ना जी, स्वयं ने तुलना करते हैं तो ए और ए में समान पेज नहीं होगा कि बदल जाएगा, एनसीईआरटी का बुक है दो बार नाम ले लो तो क्या हो जाएगा, पेज बदल जाएगा, हिसाब बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, समझ गया। ये जो आप देखो समरूप ए बी के समरूप है तो बी ए के समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बोलो सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित हो, रिलेशन समझ गया ना, यदि ए बी से संबंधित हो तो बी ए से संबंधित हो जाए, समझ गया ना, यदि ए बी से संबंधित है अब बी ए से भी संबंधित हो जाए क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन ये लिखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी क्या होता है, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध। अब देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A related B and B related C implies A related C. That is, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. अब इनको जाए कि कॉपी पर उतार लीजिए। समुच्चय A पर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है यदि उतार यदि देखिए। अब देखो ये जो टर्म है सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार लो, यदि देखिए यहाँ से लेकर के रिलेटेड बी यहाँ तक ए रिलेटेड बी देखो पुनः समझ लो, ये हो गया रिलेटेड यानी ए बी से संबंधित है, ये क्या हो गया एंड, जो ये नहीं लिख सकेगा वो लिख देना ए एंड एंड ए एंड एंड, ये मैथमेटिक्स में एंड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, और जो यह भी नहीं समझता है तो क्या करो दो दे के कार दो, इसको लिखने के लिए नहीं आता है उसको क्या पढ़ेंगे गिव सर, इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज, तुम लोग यहाँ के लिए प्रयोग करता होगा पहले, समझ गया ना, दो गो ये रेखा समांतर रेखा के तीर का निशान लगा दो जी सर, ए रिलेटेड क्या हो गया सी, यहाँ पर डेट इज है अर्थात, और देखो ए बी इनको हम क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज
एसी बिलोंग्स टू क्या हो गया, हो गया जैसे आपको रिफ्लेक्सी में हमें कितने एलिमेंट लिए थे, एक लिए थे, और सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लिए, कौन सा बी और सी, मतलब ए और बी, जब बी या सी लो जो लेना है। अब देखो इसमें तीन एलिमेंट लेगा, इसमें तीन एलिमेंट, तो तीन एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिए, सिमेट्रिक में दो बी और सी, ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट ए बी सी लिए। तो देखो ए जो है यहाँ पर ए बी और हम क्या लिख दिए सी, तो देखो ये होता है क्या, जैसे मान के चलो कि ए जो है बी से संबंधित है, ए किससे संबंधित है, बी किससे संबंधित है, बी सी से संबंधित, क्या ए सी से संबंधित हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब देखो अब कौन कौन रिलेशन से संबंधित हो सकता है, कौन कौन से नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव से हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जो है ए बी का दोस्त है, ए बी का क्या है दोस्त, बी सी का क्या है दोस्त, तो ए और सी संबंधित हो सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है, नहीं होगा, होगा दोस्त का दोस्त होगा, दोस्त का दोस्त क्या होगा, दोस्त का दोस्त क्या होगा, दोस्त का दोस्त। आप मान के चलो कि ए बी का क्या है दोस्त, हो सकता है भाई है, ए बी का क्या है भाई है, बी सी का क्या है भाई है, ए सी का क्या होगा भाई है, समझ गया ट्रांजिटिव रिलेशन को। जैसे ये लड़का है, इस लड़का का दोस्त वो है, उस लड़का का दोस्त वो है, तो यह लड़का और यह लड़का संबंधित हो सकता है, क्यों होगा, तो यह इन ट्रांजिटिव रिलेशन है, पढ़ाई किया, तीनों एक दूसरे से संबंधित है, नहीं हुआ जी, जी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेगा, जैसे मान के चलो तीन एलिमेंट लेंगे, ऐसे ए बी ले लिए ना जी। उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बी और सी ले लिए, तो देखो ए किससे संबंधित है, बी से, बी किससे संबंधित है, मिला तुमको क्या, बीबी कॉमन क्या है, बीबी, तो देखो कॉमन पॉइंट को छोड़ दो, अब क्या बचा, एसी, एसी ने बचा, एसी, तो अगर ए और सी भी हो जाए उस रिलेशन में क्या हो जाए, ए और सी, तो बोलो वो कौन रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव, समझ चुका है ट्रांजिटिव को। अच्छा देखो पिता वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, उसमें तीन गुना है, पिता वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्या हो जाएगा जरा गौर करो, तो जैसे मान के चलो ए बी और सी, ए बी सी हो गया ना, ए बी का पिता है, तब रिलेशन दो हुआ कहाँ, देखो ये जो है जैसे अगर बेटा यहाँ पर जो है इसको पिता मान लेगा, इसको क्या मान लेगा, बेटा नहीं मान लेगा, तो इसमें देखो ये बी का बाप हो जाएगा, इसमें तो दुइये को एलिमेंट हुआ जी, तीसरा एलिमेंट आया कहाँ, तो दो एलिमेंट कैसे हुआ सर जी, बेटा मतलब बेटा दो गुण, अब बेटा दो गुण है, तो एक अलग रिलेशन में चला गया, नहीं हो गया जी, दो गो रिलेशन ने इसमें सौंप दिया है, हम सिर्फ पिता का, हम सिर्फ पिता का ना रिलेशन ले रहे हैं, या तो पिता का रिलेशन लो, या तो पुत्र का रिलेशन लो, ऐसे नहीं लेके चलेगा, अब इसको बाप मान लिया, इस दोनों को बेटा मान लिया, ऐसे नहीं होगा, यानी पिता का ले रहे हैं तो पिता का खेलना पड़ेगा लेके, समझ गया ना, जैसे मान बी का पिता है तो बी सी का पिता होना चाहिए, देखो ये जो है बी का पिता है जी सर, ये किसका पिता है, बी का पिता है, अब बी किसका पिता है, सी का पिता है, तो ए सी का क्या होगा, ए सी का क्या होगा, नहीं दादा हो जाएगा, लेकिन रिलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए था, पिता होना चाहिए था, होना चाहिए नहीं था ना, क्या पिता हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं तो पिता वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, खत्म हो गया, यही चीज है, जैसे मान के चलो कि दो गो पेयर मिल गया ना, जैसे ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी है, तो कॉमन क्या आ रहा है, बी ना आ रहा है, तो बी को छोड़ दो, बी को क्या करो, छोड़ दो, बचा क्या, ए और सी ना, तो खोजेगा ए और सी वाला भी पेयर, अगर ए और सी का पेयर मिल गया तो
तो क्या कहेगा? संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। अगर नहीं मिला कॉमन पॉइंट वाला छांट देंगे। हाँ, कॉमन पॉइंट वाले को क्या करोगे? छांट दोगे, जो बचेगा वही हो जाएगा ट्रांजिट। अगर हाँ, आप देखो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग समझ जाओगे। इतना तो समझ चुके हो कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, यानी ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, और क्या हो जाए, ए सी से संबंधित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? समझ गया ना? जैसे सेट ए में जो है तीन एलिमेंट है, एक दो हो गया ना, इस पर आधारित रिलेशन हम आर वन ले लिए। देखो एक दो से संबंधित है, एक किससे संबंधित है? दो से। तीन किससे संबंधित है? तीन एक से होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए संबंधित? एक तीन से होना चाहिए। एक तीन से होना चाहिए, तीन एक मत करो, एक तीन बहुत अंतर होता है। देखो तो हम ए और सी न लिए हैं कि सी ए लिए हैं, उल्टा नहीं ले सकते हैं। उल्टा लिए, उल्टा लिखोगे ना तो उसका मीनिंग भी उल्टा हो जाता है, तो उनके अनुसार तुमको फिर पेयर लेना होगा। समझ गया ना? ऑर्डर पेयर होगा, तीन होगा, क्या होगा? एक तीन होगा। समझ गया ना? जैसे ए बी से संबंधित है, ए बी से, बी सी से संबंधित है, ए किससे संबंधित होगा? यानी एक दो से संबंधित है, दो किससे संबंधित है? तो देखो कॉमन कौन आया? दो। आप देखो कॉमन वाला छट गया, बता किया एक तीन ना, एक किससे संबंधित होगा? तीन से। नहीं होगा तो एक तीन से संबंधित होगा, तब तो जवाब ही रहेगा तीन को संख्या का रहेगा। तीन नहीं, तीन का क्या रहेगा? शुरुआत मान के चलो, ये समझाने के लिए ना जी, जरूरी है कि संख्या तीन को रहे, ये जरूरी नहीं है। इसमें तुम दसो को एलिमेंट ले सकते हैं ना, और तीन से ज्यादा होना चाहिए। तो मान के चलो कि ये खोजने के लिए कि इसमें जो पेयर मिल रहा है, इसमें जो पेयर आपको मिल रहा है, तो रिलेशन के अनुसार आप और पेयर खोजोगे। कौन पेयर खोजोगे? तो इस तरह से पेयर खोजोगे। मान के चलो कि इसका अंत वाला एलिमेंट, इसका शुरुआत वाला मिल गया कि नहीं मिल गया? तब पांच का एलिमेंट लीजिए। तो लोन पांच एक एलिमेंट, उससे क्या मतलब है? इसका आंसर हो गया सर जी, हो तो अगर रहेगा तो ये हो गया, एक तीन एग्जांपल हो गया ना। हाँ, उसके बाद देखो ये आर टू ले लिए ना, इसमें हम लेते हैं आर टू, एक दो से संबंधित है, दो तीन से संबंधित है, अब इसमें लिख दो एक किससे संबंधित? तीन से। फिर हम लेते हैं इसमें ऑर्डर पेयर, फिर इसमें हम लेते हैं ऑर्डर। देखो यहाँ पर एक तीन है ना, नहीं तीन, हम यहाँ पर तीन एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? तीन एक। अब देखो ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन अभी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तीन से संबंधित है, तीन किससे संबंधित है? तो मिला क्या? तीन और तीन ना मिला, इसमें एक और पेयर क्या होना चाहिए? जो मिला हमको छांट न दोगे? बचा किया एक और एक ने बचा, इसमें क्या होना चाहिए? एक एक भी तो सर जी मिला हुआ। समझ गया ना? तो ये नियम क्या कहता है? ए बी से संबंधित है, बी किससे संबंधित हो गया? सी से। ए बी से संबंधित है, बी यहाँ पर ए सी सोचो। समझ गया ना? यहाँ पर एक जो है ए सी हो गया। देखो एलिमेंट और पेयर कितना भी रहे, समझ गया ना, तुम सोचेगा ए बी सी ही, क्या सोचेगा? यही तीन चीज सोच के चलेगा, इनसे फाजिल नहीं जाएगा। एलिमेंट बढ़ जाए, पेयर बढ़ जाए, ए बी सी, लेकिन तुम सोचेगा ए बी सी, क्या सोचेगा? ए बी सी। देखो इसके अनुसार ये हो गया, ये क्या हो गया? बी। इसके अनुसार ये बी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा सिमेट्रिक में सोचना है, ऐसा किसमें सोचना है? सिमेट्रिक में है, लेकिन ट्रांजिटिव में क्या सोचेगा? ए बी सी। समझ गया ना? तो ए बी से संबंधित हो गया, बी किससे संबंधित हो गया? सी से। सी से होना चाहिए, हो रहा है। समझ गया ना? ये सी से संबंधित, ऐसा सोचेगा। ए बी से संबंधित है, अभी सी से आप सोचेगा कि इसको ए मान लिया थी तो ये होगा, नहीं होगा, तो ऐसा किस में सोचेगा? सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गया ना? ऐसा किस में सोचेगा? सिमेट्रिक रिलेशन में। आज आप ट्रांजिटिव एकदम हम कहेंगे ये ए, ये बी, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? सी होना चाहिए। समझ गया ना? ए और बी से मिल गया, नहीं मिला ए सी हो गया। उसके बाद तीन जो है किससे मिल गया?
एक से मिल गया ना, तो इसका कॉमन चीज कौन हुआ? तीन तीन नहीं हुआ, तो कॉमन चीज को छोड़ दो, क्या बचा? कॉमन चीज को छोड़ दिया, क्या बचा? एक एक बचा ना, तो इसके अंदर में किसमें कॉमन यही लेना है, इसका अंत वाला, इसका शुरुआत वाला, इसको छोड़ना है। देखो तुम लोग एकदम इतना एकदम तुम लोग का दिमाग भूत है कि वो भूत है ये। तुमको हम छांटने के लिए हम इस बी को कहते हैं ना, यहाँ पर ए और सी के स्थान पर कुछ भी रहे उनको हम लिखते हैं जी। धन बीबी मिलल से तो बीबी को छांट देते हैं। ये परिभाषा में जो हम लिखा है उसके सिंबल को एकदम ध्यान से पढ़िए, देखिए किसको हम छांटते हैं? बी को, बीबी को। क्या करते हैं? ए और सी को हम छांट देते हैं, उसको तो लिख देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो किसको बीबी हट लेना, क्या करेगा? इसको ए और सी को छोड़ देगा, ए और सी को छोड़ देगा, ए और सी देखिए इम्प्लाई चीज बी और सी को एकदम एकदम छोटेगा। यहाँ तो क्लियर है कि क्या और सी से बचना चाहिए, यानी इसका जो है शुरुआत वाला, इसका अंत वाला एकदम लिखते हैं। तो इसका शुरुआत वाला क्या हो गया? इसका अंत वाला क्या हो गया? सी। लेकिन है जी, अब क्या लिखेगा? एक एक समझा। फिर देखो इसका ये क्या मिल रहा है? सी। एक नहीं मिल रहा है, मतलब इसका अंत वाला और किसी पेयर का शुरुआत वाला मिल गया, किसी पेयर का अंत वाला किसी शुरुआती किसी पेयर का शुरुआत वाला मिल गया, तो देखो तब उसका जो है कि पहला और इसका क्या अंत वाला एलिमेंट देखेगा, समझ गया ना? जैसे यहाँ पर क्या है? तीन एक है ना, यहाँ पर क्या है? तीन है, और क्या है? एक है। अब देखिए एक 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 मिला, ये एक और ये एक मिल गया कि नहीं मिल गया? तीन एक बचा, ये एक और ये एक मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो ये दोनों छंट जाएगा, ये दोनों क्या होगा? तो बचा क्या? तीन एक। तीन और क्या बचा? एक। तो तीन एक देखो है इसमें है, तीन एक जी सर, तीन मिल गया ना, है कि नहीं है? तीन एक मिला कि नहीं मिला? अब फिर देखो, अब इस प्रकार से किसी का भी तुलना करो। देखो इसका जो है दो मिल गया, ये दो है, ये दो मिल गया, एक तीन, एक तीन मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका एक तीन है, यहाँ पर तीन एक है, तो तीन और तीन मिल गया, तो एक और एक होना चाहिए, ये मिल गया ना? उसके बाद देखो इसका जो है अंत वाला, इसका शुरुआत वाला मिल गया नहीं मिल गया? तो एक तीन होना चाहिए, मिल गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा कोई भी पेयर है जिसका अंत वाला किसी का शुरुआत वाला मिल जाए, समझ गया? किसी पेयर का अंत वाला, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये द्वितीय प्रविष्टि या द्वितीय निर्देशांक, और किसी का फर्स्ट निर्देशांक मिल जाए, उनको छोड़ देते हैं, समझ गया ना? और तब जो एलिमेंट बचता है उनसे ऑर्डर पेयर बना के देखते हैं, उसमें मिल जाता है तो वह क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसमें संभावना तलाशो तो ऐसा कोई है, ऐसा एलिमेंट जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, जो ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो नहीं करता है? नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, समझ गया ना? अगर मान के चलो कि और हम एक रिलेशन ले लेते हैं, आर थ्री ले लेते हैं, जैसे वन टू हो गया, उसके बाद हो गया ये टू वन, रिलेशन लेते जाएंगे, ये वन टू हो गया और ये क्या हो गया? टू वन हो गया। तो आप बोलो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। देखो एक दो से संबंधित है, दो किससे संबंधित है? एक से। तो अब क्या होना चाहिए था? सर जी बोले सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए था, एक एक होना चाहिए था ना, एक एक है नहीं है, ये कौन रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, बी से नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? एक स्वयं दो तीन तीन, ये सब होना चाहिए ना, ये सब एलिमेंट है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ओनली क्या होगा? ये सिमेट्रिक।